बस कैसे हो सभी लोग, आप देख रहे हैं नज़ भाई लोग। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी शानदार जगह आया हूँ, जहाँ पे आपको बताऊँगा कि फूलों की क्यारियाँ मतलब कितनी अच्छी यहाँ से दिखाई देती है। मतलब बहुत ही, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी फूलों की क्यारियाँ हैं। मैं आपको इसके मालिक से बताऊँगा कि ये कैसे इनका उत्पादन करते हैं, और कैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना अच्छा मतलब फूलों की क्यारियाँ हैं, और कितने कितने अच्छे हैं। मतलब गुलाब, आगे गुलाब, चमेली, चमेली वगैरह पूरे फूल दिखाई दे रहे होंगे आपको। मतलब मुझे इतना नाम तो पता नहीं है, इतनी जानकारी तो पता नहीं है, पर इतना हो सकता है तो बता सकता हूँ। ये देखिए वाइट बाइल, ये देख फूल देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने अच्छे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए गाइस, थोड़ा थोड़ा ब्लर हो जाएगा पर कोई बात नहीं। देखिए गाइस, ये कितनी बड़ी फूलों की क्यारी क्यारी है ये। अभी तक हमें संदेश मिला कि यहाँ पे और फूलों की उगाई भी होगी। अभी तक आराम आराम से काम चल रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं गाइस, कितने बड़े बड़े फूल दिखा दे रहे होंगे आपको यहाँ पर। देखिए गाइस, लाल रंग के देख सकते हैं आप गाइस, रंग बिरंगे फूल दिखा दे रहे होंगे आपको यहाँ पे। देखिए गाइस, तब आपको मैं अंकल का मतलब जो मालिक है यहाँ के, उनका मैं आपको परिचय देता हूँ, किस तरह से वो बताते हैं आपको कि कैसे कैसे हम इनकी उगाई कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अंकल के साथ। अंकल जी, आपका शुभ नाम? शशि नारायण शर्मा। तो अंकल जी, ये जो फूल जो लगाए हैं आपने, तो ये आपको कहाँ से लाए हैं? ये जो जितने भी फूल हैं, ये मैं चंडीगढ़ से, ये जो है छोटे लाल नर्सरी या पंचकुला में वहाँ से इनको लाए। अच्छा जी, और ये टोटली है हाइब्रिड के। तो आप बता सकते हैं ये फूल कहाँ कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से, पंचकुला से। पंचकुला से हैं? हाँ, पंचकुला। तो ये आप इनको कैसे बीजती हैं? अच्छा, इनको यह है कि इसके लिए तो पहले चाहिए आपको शौक, आपके शौक नहीं है तो कुछ नहीं। तो ये आपको कब से शौक है इसका? मुझे शौक है 15-20 साल से, पुराना शौक है। और शौक के अलावा इसके लिए 6 घंटे की मैं कम से कम धूप चाहिए, पानी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए, जिसमें कुछ भाग तो रेता होना चाहिए, गोबर की सड़ी हुई पुरानी 2 साल पुरानी खाद, और कुछ भाग नीम खली, जो कि कीड़े मारने के अंतर जो कीड़े लग जाते हैं उनको ख़त्म कर देती है नीम खली। और सर्दियों या बरसात में आप केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं, केमिकल और फटकड़ी भी यूज कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर। अच्छा, तो इस फर्टिलाइजर में ये जो हर, क्योंकि रोज़ जो है ना, रोज़ फ्लावर जो है, ये है हैवी फीडर गुलाब। हाँ जी, हाँ जी। हैवी फीडर का मतलब यह है कि इसको 10 दिन के बाद कुछ ना कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट और केमिकल खाद, ऑर्गेनिक खाद देते रहना चाहिए। केमिकल में आ जाता आपका आएगा, और टाइम टाइम सर इसकी प्रोनिंग होती है, 3 अक्टूबर के बाद इसकी हाई प्रोनिंग, हार्ड प्रोनिंग होती है, और उसके बाद फरवरी में लाइट प्रोनिंग करते हैं, काट प्रोनिंग का मतलब काट छटाई होती है। अच्छा, इसकी कटाई होती है? कटाई होती है। केमिकल खाद में आप DAP डाल सकते हैं, NPK 90 डाल सकते हैं, एप्सम साल्ट डाल सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट, जिंक सल्फेट, पोटास, हड्डियों का चूरा, नीम खली, सरसों की खली, कीड़े मारने की दवा नीम ऑयल और वेबस्टिंग आदि का प्रयोग होता है। अच्छा, तो सर ये आप हमारे को ये फूलों के बारे में बता सकते हैं आप कुछ? मैं ये बता सकता हूँ, पर ये छोटे रंग तो खैर अलग अलग रंग हैं। हाँ जी, पर इनमें जितने भी हैं ये सारे हाइब्रिड के हैं। हाइब्रिड के हैं? हाइब्रिड। अच्छा, ये आप चंडीगढ़ से लाए हैं? चंडीगढ़ से। और किसी को इसके लिए जानकारी चाहिए तो आपसे संपर्क कर सकते हैं? मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ। उसके लिए पहले शौक चाहिए, 5-6 घंटे की धूप चाहिए, पानी चाहिए। अगर वो कर सकते शौक पहले, कि धूप चाहिए 6 घंटे की, पानी चाहिए टाइम टाइम के साथ, खाद चाहिए इसको हर 10 दिन बाद खाद चाहिए, अगर ये आप कर सकते हो तो आना, नहीं तो ऐसे देख के खुश हो जाना। अच्छा ठीक है सर, बहुत थैंक यू।
वीडियो देख के पैक करके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बोले, ताकि हर एक मतलब पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो फैला दो। बस समझ सकते हो कि अंकल इतने मतलब अच्छे तरीके से हमें बता रहे कि किस तरह से उन्होंने फूल उगाए और किस तरह से क्या किया। तो गाइस ये मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।